सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सबको अपने आर्ट सप्लाईज दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कैमलिन के पोस्टल कलर। मेरे पास एक डब्बा था, वो ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा मंगवा दिया। ये बहुत ही अच्छे पोस्टल कलर्स हैं। तो इसके बाद आती है कैमलिन की पेंटिंग किट। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरे भाई ने दी थी। फिर आते हैं उसके बाद ब्लैक और वाइट ट्यूब। मेरे पास ब्लैक और वाइट पोस्टर कलर ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने ट्यूब मंगवा लिए थे। फिर आती है एक क्यूट से जनरल। ये जनरल मेरी फेवरेट है, ये बहुत ही स्मूथ है। फिर तो उसके बाद आते हैं कैमलिन के ब्रश पेंस। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें 24 शेड्स आपको मिल जाएंगे। फिर आती है ब्रूस्टो की स्केच बुक। ये बहुत स्मूथ है और इसमें एक कट के निशान भी है। उसके बाद आते हैं फेब्रिकल के एक्रेलिक कलर्स। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए। उसके बाद आते हैं ब्रूस्टो के मेटेलिक गॉज कलर से, बहुत ही अच्छे थे। फिर आते हैं यूडल पेंस मंडला बनाने के लिए। ये भी मैंने अभी यूज़ नहीं किए। फिर आते हैं मेरे प्यारे से ब्रशेस। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं। फिर आते हैं ब्लूस्टो के पेपर्स। ये A5 साइज़ के हैं, ये स्टूडेंट के हैं, ये A4 साइज़ 200 GS हैं मेरे पेपर्स। ये मेरे पास कुछ कैनवास हैं, ये कुछ कैंसन्स, ये बुक मार्क्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही स्मूथ हैं। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था बुक मार्क का, इसलिए अच्छा नहीं बना। तो उसके बाद आती है मेरी पैलेट्स। मेरी कुछ पैलेट्स बहुत गंदी हैं। तो उसके बाद आती है कैमलिन की फ्लूइड किट। ये किट मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। फिर आते हैं कैमलिन के ग्लास कलर्स। फिर आते हैं मेरे कुछ स्केच पेंस। मेरे पास बहुत सारे स्केच पेंस हैं अलग अलग वैरायटीज़ के। तो उसके बाद ये डॉम्स की किट है, पेंसिल कलर, पेंट कलर, आर्ट लाइन की पेंसिल्स, स्केच पेन, वैक्स क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल्स, ग्लिटर्स।